हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मैं स्वागत करता हूँ टाइम टू टेच की नई वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं होनर एटेक्स के बारे में। होनर हुआ की एक सब ब्रांड कंपनी है, जिस प्रकार से अपने शाओमी की पोको है, ओप्पो की रियलमी है, और तो इसी प्रकार से हुआ की होनर एक सब ब्रांड कंपनी है। तो दोस्तों, हुआ ने आज बहुत ही कमाल का फ़ोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है होनर एटेक्स। होनर एटेक्स अपने शाओमी के नोट 5 प्रो को ले लीजिए, एसूस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 को ले लीजिए, नोकिया को ले लीजिए, मोटरोला को ले लीजिए, रियलमी 2 प्रो को ले लीजिए, इन सब की वाट लगाने के लिए आया है, जो कि बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आया है, बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आया है, बहुत ही अच्छे प्रोसेसर के साथ आया है, बहुत ही अच्छी बैटरी के साथ आया है और बहुत अच्छे कैमरे के साथ आया है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक की इसकी सारी खूबियाँ कमियाँ सारे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, साथ ही अपने इस वीडियो को लाइक कर दे, इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, शेयर कर दे, ताकि सब भाइयों तक ये वीडियो फैल जाए। दोस्तों चलिए, तो वीडियो को शुरू कर दे। चलिए तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ओनर एटेक्स के लॉन्च के बारे में, कीमत के बारे में और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, ये त्योहारों का सीज़न चल रहा है, दीपावली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, छोटे मोटे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर हुआ है कि सब ब्रांड ओनर ने भारत के मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन ओनर एटेक्स लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूँ, भी कुछ टाइम पहले चीन में ओनर एटेक्स मैक्स लॉन्च किया गया था, उस वही वर्जन है दोस्तों, वही मोबाइल है जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया है ओनर एटेक्स के नाम से। एक और बात बता दूँ दोस्तों, ओनर 7X का जो अपग्रेड मॉडल है वो है अपना ओनर एटेक्स, यानी कि इसका 7X का बड़ा भाई है ओनर एटेक्स। दोस्तों साथ ही एक और बात बोल देता हूँ कि तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन है, इसीलिए दो दिन से आपको वीडियो भी नहीं मिल पाई है, उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ, और साथ ही थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आपको मिलेगी, उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ। दोस्तों बात कर लेते हैं ओनर एटेक्स के कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, इसकी डिस्प्ले आपको मिल जाती है iPhone X की जैसी, तो iPhone X की जैसी। तो क्या है दोस्तों, आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो कहते हैं ना कि एक साथ सभी एक ही ट्रेंड में चलने लगे हैं, iPhone X की कॉपी करके सारे मोबाइल जो कंपनियां हैं सारे हैंडसेट में वही नोच वही डिस्प्ले प्रोवाइड करने लगी है। तो दोस्तों, नोच तो एक तरह से अभी ट्रेंड में चल रहा है, वो iPhone X की कॉपी ही कह सकते हैं आप। इसके बाद इसके स्मार्टफोन की जो AI है दोस्तों, उसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको AR स्टिकर मिल जाएंगे, पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, HDR और सुपर नाइट सीन वाले फीचर्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ओनर एटेक्स की अगर कीमत की बात कर लेते हैं, या ये कहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, या कब तक आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो ओनर एटेक्स की जो कीमत है वो आपको 14,999 रुपये लगने वाली है, जो कि आपका बेस वेरियंट है, यानी कि 4 GB और 64 GB वेरियंट की। साथ ही अगर अगले इसके जो वेरिएंट है वो है आपको 6 GB 64 GB वाला, उसकी प्राइस आपको लगने वाली है 16,999 रुपये, और अगला जो वेरिएंट है 6 GB और 128 GB, उसकी प्राइस आपको लगने वाली है 18,999 रुपये। यानी कि दोस्तों, कंपनी ने 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, 4 GB प्लस 64 GB, 6 GB प्लस 64 GB और 6 GB प्लस 128 GB। इसके बाद दोस्तों अगली बात निकल के आती है, वो आती है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले नाम आता है अपने हाइब्रिड सिम स्लॉट का। दोस्तों आप में इसको ड्यूल सिम भी लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी घुसा सकते हैं। साथ ही अगर दोस्तों इसके EMUI की बात करें, तो वो आपको मिलेगा 8.2.0 पर आधारित Android 1.0 पर चलेगा। 5 का अपडेट आपको मिल सकता है, अभी हाल फिलहाल जो आपको मोबाइल मिलेगा वो मिलेगा ओरियो पर। स्क्रीन की बात करें दोस्तों, तो आपको इसमें मिलेगी 6.5 इंच की फुली HD+ वाली डिस्प्ले मिलेगी, TFT IPS डिस्प्ले मिलेगा, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 8.7:9 का। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए दोस्तों आप इसमें बहुत ही कमाल का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि ओनर ने अपने फर्स्ट मोबाइल में या फर्स्ट जो हैंडसेट है, पहला हैंडसेट है ये एटेक्स, जिसमें ये प्रोसेसर यूज किया गया है। प्रोसेसर मिलने वाला है दोस्तों अब में हाई सिलिकॉन किरिन का 710710, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। साथ ही 4 GB और 6 GB की रैम इसमें आपको मिल जाएगी, दोनों ही वेरिएंट में आपको 710 का प्रोसेसर मिलेगा। दोस्तों 3 वेरिएंट है वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अब अगर इसके कैमरे की बात कर ले, तो कैमरे भी इसमें आपको काफ़ी कमाल का मिलने वाला है। पिछले हिस्से में डबल कैमरा मिलने वाला है, जो कि सभी हैंडसेट में मिल ही रहा है, 20 MP का प्लस 2 MP का रियर कैमरा आपको इसमें मिलने वाला है। और इसके अपर्चर की बात करें, तो F1.8 का आपको इसमें अपर्चर मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको फोटो खींच के देगा। साथ ही क्वालिटी और बढ़ाने के लिए कंपनी ने LED फ्लैश दिया है, जो कि बहुत बड़ा काम किया है। साथ ही सेल्फी की बात करें, या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो कॉलिंग के लिए आप में इसको 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर है F2.0। तो ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा है दोस्तों।
अगर अदर फीचर्स की बात कर रहे हैं या अदर जो इसमें सेंसर है उनकी बात कर रहे हैं या अदर क्या क्या इसमें आपको मिलेगा, वो मिलने वाला है आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, यूएसबी और 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा। और लास्ट और जो बेस्ट फीचर है दोस्तों, जिसके बिना वो अपना मोबाइल ही अधूरा रहता है, वो है पावर। पावर जो कि बैटरी से मिलता है और बैटरी आपको मिलने वाली है 3750 mAh की, 3750 mAh की, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, जिसको आप ना ही कम बोल सकते हो ना ही ज़्यादा बोल सकते हो, एवरेज हिसाब से काफ़ी अच्छी है। नॉर्मल यूज़ के हिसाब से एक दिन आपका आराम से निकालेगी, और अगर थोड़ा बहुत आप हेवी यूज़ भी करते हो तो भी आपका एक दिन आराम से निकाल देगी, आपको दिन में इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऑनर एटेक्स के प्राइस को लेके, उसके कुछ फीचर्स को लेके जो मैंने इधर उधर से जानकारी जोड़ी थी, वो जानकारी दोस्तों मैंने आपको बताई है, क्योंकि अपन इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं कि कंपनी अपन को हैंडसेट भेजेगी रिव्यू के लिए। तो दोस्तों मैंने इधर उधर से इसकी जानकारी जोड़कर आपको बताई है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है दोस्तों आपके, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।